In this video I am going to discuss about beta lactamase classification of beta lactamase how beta lactamase work and different type of resistance mechanism found in bacteria so let's start the video beta lactamase various bacteria for example escherichia coli klebsiella pneumoniae neisseria gonorrhoea and pseudomonas aeruginosa produce क्लास ऑफ इन्जाइम्स डैट इज़ कॉल्ड बीटा लैक्टेमेज सो बीटा लैक्टेमेज क्या है फैमिली ऑफ इन्जाइम है जो कि बैक्टीरिया में पाई जाती है लाइक इकोलाई क्लेप्सिला नाइजीरिया सीडोमोनास तो ये सब बैक्टीरिया एक एन्ज़ाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसे कहते हैं बीटा लैक्टेमेज अब ये जो नेम है बीटा लेक्टेमेज ये डिराइव्ड है इस एंजाइम के एक्शन की बेस के ऊपर जो कि वो परफॉर्म करता है बीटा लैक्टेम के ऊपर बीटा लैक्टेम एक क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स है अब ये जो स्पेशल बैक्टीरियल एंजाइम है बीटा लैक्टेमेज ये इस एंटीबायोटिक को डिग्रेड कर देता है इसको इनएक्टिवेट कर देता है सो so, बीटा लैक्टेमेज इनएक्टिवेट दिज एंटीबायोटिक एंडल्टिंग इन बैक्टीरिया विद एंटीबायोटिक रिजिस्टेंट सो बीटा लेकिन एंटीबायोटिक्स में है पेनेसिलीन सेफेलोस्पोरिन कार्पन सेफामाइसिन एंड मोनोबैक्टम सो ये सभी एंटीबायोटिक्स हैं बीटा लेक्टेम एंटीबायोटिक्स इन सब एंटीबायोटिक के अंदर एक स्ट्रक्चर जो है वो कॉमन है और वो है एक फोर एटम रिंग जिसे कहते हैं बीटा लैक्टेम रिंग अब ये जो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम है वो क्या करता है कि ये जो बीटा लैक्टेम रिंग है इसको ये डिग्रेड कर देता है इसको हाइड्रोलाइज कर देता है जिसकी वजह से जो एंटीबायोटिक होती है वो क्या होती है इनएक्टिवेट हो जाती है सो so, बीटा लैक्टेमेज इनएक्टिवेट दिज एंटीबायोटिक रिजल्टिंग बैक्टीरिया विद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट अब अगर हम इस डायग्राम से समझें तो ये है हमारे पास पेनिसिलिन सो पेनिसिलिन क्या है एक बीटा लेक्टेम एंटीबायोटिक है अब इस पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में आपको रेड कलर में एक फोर एटम रिंग दिखाई दे रहा है और ये रिंग क्या है बीटा लेक्टेम रिंग अब अगर इस बैक्टीरिया के अंदर बीटा लैक्टेमेज एंजाइम होगा सो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम क्या करेगा इस बीटा लेक्टेम ड्रिंक को हाइड्रोलाइज कर देगा इसको डिग्रेड कर देगा और इसको ओपन कर देगा और एज आ रिजल्ट ये पेनासिलीन किस में कन्वर्ट हो जाएगी पेनिसिलोइक एसिड में यानी कि एंटीबायोटिक क्या हो जाएगी डिग्रेड हो जाएगी ब्रेक हो जाएगी और जो उसका फंक्शन था अब वो वो परफॉर्म नहीं कर सकेगी और जो बैक्टीरिया होगा वो उस एंटीबायोटिक से अब क्या हो गया है रिजिस्टेंट हो गया है सो बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया में डिफरेंट टाइप्स के रेजिस्टेंस मैकेनिज़्म पाए जाते हैं देयर आर फाइव डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस मैकेनिज़्म फाउंड इन बैक्टीरिया फर्स्ट इज रिड्यूस परमिएबिलिटी अब रिड्यूस परमियाबिलिटी में क्या होता है कि एंटीबायोटिक की जो डिफ्यूजन है कि वो इंटर हो सके सेल में बैक्टीरिया उसको रिड्यूस कर देगा सो so, जब एंटीबायोटिक सेल के अंदर इंटर ही नहीं हो सकेगी तो वो अपना एक्शन कैसे परफॉर्म करेगी सो so, होगा क्या कि एंटीबायोटिक क्या हो जाएगी रेजिस्टेंट हो जाएगी सो रिड्यूस द डिफ्यूजन ऑफ एंटीबायोटिक इंटरिंग द सेल सेकेंड वन इज द मोडिफिकेशन ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल अब अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल प्रोटीन्स जो होती हैं वो कॉमन टारगेट होती हैं किसी भी एंटी माइक्रोबियल का लेकिन अगर उन बैक्टीरियल प्रोटीन के अंदर कोई आल्ट्रेशन आ जाती है तब भी एंटीबायोटिक क्या हो सकती है रेजिस्टेंट हो जा हो जाती है फॉर एग्जांपल अगर हम एम की बात करें रेजिस्टेंस रेजिटेंस टिफाइलोकोकस तो वहाँ पे मैक ए जीन जो बैक्टीरिया के अंदर होता है वो क्या करता है कि पेनिसिलीन बाइंडिंग प्रोटीन को पेनिसिलीन बाइंडिंग प्रोटीन टू ए में कन्वर्ट कर देता है तो वो क्या कर रहा है बैक्टीरियल प्रोटीन यहाँ पर क्या उनके अंदर अल्टरेशन आ गई है तो अब जो एंटीबायोटिक होगी वो अपने टारगेट के साथ बाइंड नहीं हो सकेगी जब एंटीबायोटिक टारगेट के साथ बाइंड नहीं होगी तो एज अ रिजल्ट क्या होगा बैक्टीरियल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएगा थर्ड इज दी इफ्लेक्स पंप। अब इफ्लेक्स पंप एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बैक्टीरिया ट्रांसपोर्ट करता है कंपाउंड्स को आउटसाइड द सेल यानी जो भी पोटेंशियली टॉक्सिक ड्रग्स वगैरह होती हैं कोई केमिकल्स होता है उनको बैक्टीरिया आउटसाइड क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है सो ये इफ्लेक्स पाम बेसिकली ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं एक्सट्रूजन ऑफ टॉक्सिक स्ट्रेट फ्रॉम विद इन सेल इन टू दी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तो जब एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से आउटसाइड चली गई तब भी तो वो एंटीबायोटिक क्या होगी अपना काम नहीं कर सकेगी और एज ए रिजल्ट क्या होगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होगा फोर्थ वन इज दी आल्टर्ड मेटाबोलिज्म सो सम मेटाबॉलिक शिफ्ट कैन मेक बैक्टीरिया फिनाटोपिकली रिजिस्टेंट टू पार्टिकुलर एंटीबायोटिक एंड द फिफ्थ वन इज दी इन्जाइमेटिक इक्टिवेशन सो जैसा कि अभी हमने बात की कि जो बीटा लैक्टमेज़ है ये एक इम्पॉर्टेंट हाइड्रोलिटिक एन्जाइम है जो कि क्या करता है इनएक्टिवेट करता है एंटीबायोटिक्स को बीटा लैटेम एंटीबायोटिक को लाइक पेनेसलिनपोरिन एंड कार्पनि बाई ब्रेकिंग और बाई डिग्रेडिंग देयर बीटा लेक्टेम रिंग सो ये इन्जायमेटिक इनएक्टिवेशन है ये सब डिफरेंट टाइप्स हैं रेजिस्टेंस के मैकेनिज्म के जो कि बैक्टीरिया में पाए जाते हैं अब हम देखते हैं कि ये जो बीटा बीटाइक्टेमेज है ये वर्क कैसे करता है कैसे ये जो बीटा इलेक्टेमेज है ये बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स को इनएक्टिवेट करता है या फिर उनको डिग्रेड करता है इस डायग्राम में आपको शो हो रही है ग्रैम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल सो so, अगर हम ग्रेम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करें तो उसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकिन की लेयर होती है वो कैसी होती है थिक होती है अप्रोक्सीमेटली सिक्सटीन टू एटीन नैनोमीटर। अब इस डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है ऑल्टरनेट यूनिट ऑफ एन ए जी एंड एन ए एम सो एन ए जी स्टैंड्स फॉर एन एसिटाइल आइन एंड एन ए एम स्टैंड फॉर एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड सो ये एन NAM, NAG एम एन एंड एन आपको ऑल्टरनेट यूनिट में ईच लेयर में आपको दिखाई दे रहे हैं अब ये एक चेन दूसरी चेन के साथ क्रॉस लिंक कैसे कर रही है तो यहाँ पर आपको ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हर चेन के अंदर ये क्या है सो so, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है tetrapeptide वन so चेन क्रॉस cross विद with थ्रू through tetrapeptide अब इस टेट्रापेप्टाइड के अंदर ये जो आपको ब्लू कलर में शो हो रहा है ये क्या है एल एलानीन रेड कलर में जो आपको शो हो रहा है डेट इज डी ग्लूटामाइन ब्लैक कलर में ये जो आपको शो हो रहा है डेट इज एल लाइसिन एंड रेड कलर की लाइनिंग में जो आपको स्ट्रक्चर शो हो रहा है ये क्या है डी एलानाइन सो ये क्या है एक है अब अगर हम यहाँ पर देखें तो एक चेन का जो टेट्रापेप्टाइड है वो दूसरी चेन फॉर एग्जाम्पल ये एक चेन है ये दूसरी चेन है सो तो एक चेन का ये जो टेट्रापेप्टाइड है ये दूसरी चेन के टेट्रापेप्टाइड से कैसे कनेक्ट है थ्रू पेंटा ग्लाइसिन ब्रिज सो तो ये जो आपको ब्लू कलर में शो हो रहे हैं ये क्या है पेंटा ग्लाइसिन ब्रिज अब इस डायग्राम को अगर हम और इसको क्लियर करने की कोशिश करें तो अगर एक चेन की अगर आप देखें एक चेन की जो टेट्रापेप्टाइड का एल लाइसिन है ये जो आपको ब्लैक कलर में शोर है डेट इज दी एल लाइसिन सो एक टेट्रापेप्टाइड का जो एल लाइसिन है वो दूसरे चेन की टेट्रापेप्टाइड के डी एलानीन के साथ बाइंड करता है तो यहां पर देखें एक चेन का एल लाइसिन एंड दूसरे टेट्रापेप्टाइड चेन का डी एलानीन

पेनिसिलीन बाइंडिंग प्रोटीन पीबीपी अब होता क्या है कि जो बीटा लैटेम एंटीबायोटिक्स हैं वो बाइंड करती हैं इस पेनिसिलीन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ पीबीपी के साथ अब ये जो पीबीपी है ये अब इन पेप्टाइडोग्लाइकेन चेन्स को क्रॉस लिंक नहीं कर सकती जब बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स इस पीबीपी के साथ बाइंड करती हैं तो वो अब ये पीबीपी पेप्टाइडोग्लाइकिन चेन को क्रॉस लिंक नहीं कर सकेगी जिसकी वजह से बैक्टीरिया क्या होगा अनएबल टू सिंथेसाइज अ स्टेबल सेल वॉल एंड द बैक्टीरिया इज लाइज सो जो बीटा लेक्टेमेज है वो क्या करता है इन एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बाय ब्रेकिंग एंटीबायोटिक स्ट्रक्चर और वी कैन से डैट बाय ब्रेकिंग दिस बीटा लेक्टेम रिंग सो so, बीटा लेक्टेमेज क्या करेगा कि बीटा लेक्टेमेज जो बीटा इलेक्टेम रिंग है इसको क्या कर देगा ब्रेक डाउन कर देगा और एज अ रिजल्ट जो एंटीबायोटिक होगी वो रेजिस्टेंट हो जाएगी उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा इलेक्टेमेज सो द मोस्ट वाइडली यूज क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा इलेक्टेमेज इज द एमलर क्लासिफिकेशन डेट डिवाइड्स द बीटा इलेक्टेमेज इंटू फोर क्लासेज ए बी सी एंड डी बेस्ड अपॉन देयर अमाइनो एसिड क्वेंस क्लास ए सी एंड डी यूटिलाइज सीरिन फॉर हाइड्रोलिस ऑफ बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स सो जो क्लास ए है सी और डी ये किस को यूटिलाइज करते हैं सीरीन अमाइनो एसिड को ताकि वो बीटा लैक्टेम की हाइड्रोलिस कर सकें और जो क्लास बी है इसको कहते हैं मिटैलो बीटा लैक्टेमेज और इसको क्या रिक्वायर होता है बाईवेंट मेटल आइन यूजली जिंक फॉर देयर एक्टिविटी सो क्लास बी इज ऑल्सो नोन एज मिटेलो लेक्टेमेज सो देर आर मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीटा लेक्टेमेज इनजाइम एंड दीज इंक्लूड सी टी एक्स एम टी ई एम एस एच वी एन डी एम वन एम सी एंड ओ एक्स ए सो सी टी एक्स एम जो है वो आता है क्लास ए में क्लास ए क्या है द एक्टिव साइड सीरिन बीटाइल एक्टमेजेज एंड टी ई एम एंड एस एच वी ये तीनों आते हैं क्लास ए में जो कि सीरिन को यूज करते हैं फॉर द हाइड्रोलिस ऑफ द बीटा इलेक्टेम रिंग क्लास बी में आता है एन डी एम वन और क्लास बी क्या है मेटेलो बीटा एलेक्टमेजेज है जिसको रिक्वायर होता है एक बायल एंड मेटल आइन यानी कि जिंक आइन फॉर एक्टिविटी क्लास सी में आता है एम सी एंड क्लास डी में आता है ओ एक्स ए और ये जो जितनी भी टाइप्स हैं इनको हम एज अ कोलेक्टिवली ऐसे भी क्लासीफाई करते हैं ई एस बी एल सो ई एस बी एल स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लेक्टेमेज सो बीटा लेक्टेमेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि बीटा लेक्टेम एंटीबायोटिक्स को इनएक्टिवेट करता है उनको डिग्रेड करता है और बीटा लेक्टेमेज के लिए जो हम इनहेबिटर देते हैं वो है क्लेव्यूलैनिक एसिड सलबैक्टम टेजोबेक्टम एंड एवीबेक्टम सो नेक्स्ट वीडियो में हम बीटा लेक्टमेस की डिटेक्शन को डिस्कस करेंगे सो स्टूडेंट इफ़ यू अंडरस्टंड दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई यूट्यूब चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग